दूसरों की गलती निकालना और उनसे किसी काम की आस रखना आसान है, लेकिन अपने अंदर झांकना कि हम क्या कर रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं और क्या देना चाहिए, यह सोचना बहुत कठिन। देश को तेजी से विकास के लिए समाज सेवी संस्थाओं का अहम योगदान होता है, बशर्ते वे संस्थाएं समाज को कुछ देने और कुछ अच्छा करने का सोचे। इस क्षेत्र में हैंड्स संस्था के द्वारा नेत्रदान, देहदान, रक्तदान सहित कई तरह के किए जा रहे सेवा कार्य न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि बड़ी प्रेरणा है। यह बातें मंत्री श्री अग्रवाल ने कही। उन्होंने संस्था को प्रोत्साहित करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। शहर के प्रतिष्ठित होटल में आयोजित दानदाताओं के सम्मान समारोह में गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में इस दौरान उपस्थित रहे। मानव जब एक दूसरे का सहयोग करता है, दूसरे के दुख दर्द को समझता है, तब जाकर कोई प्रगति होती है। कोई संपन्न व्यक्ति रहता है, नेता रहता है, बड़े पावर में रहता है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा अधिकारी है, सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से उसके प्रति आदर भाव नहीं। उसका एकमात्र कारण है, अगर उसने अच्छा काम किया, नेत्रदान को महादान बताते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि संभागायुक्त सोनमणि बोरा ने अपने उद्बोधन में आंखों की रोशनी देने के काम को सर्वोत्तम पुण्य बताया। वहीं महापौर किशोर राय ने भी संस्था के इस कार्य के लिए शासन प्रशासन स्तर पर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। यथासंभव आप लोगों को जो भी सहायता की आवश्यकता होगी, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। सब जगह से लोग बड़ी मात्रा में नेत्रदान करना चाहते हैं, पर चूंकि वहां नेत्र ब्लड बैंक आई बैंक नहीं होने के कारण नेत्रदान इच्छा अनुसार होने के बावजूद नहीं कर पा रहे वो। तो अभी मंत्री जी से चर्चा हुई, मंत्री जी को बोले, हमने आग्रह किया कि बाकी शहरों में भी बड़ी बड़ी जगह में आप उपलब्ध कराइए, बिलासपुर के अन्य जिलों में भी। तो उन्होंने कहा आप हमें एक फॉर्मेट बना के दीजिए, हम इसमें प्रयास करेंगे। सम्मान समारोह में उन 25 परिवारों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परिजनों का नेत्रदान करवाया। कार्यक्रम में अग्रज नाट्य दल ने प्रस्तुति देकर नेत्रदान को प्रोत्साहित किया। वहीं मीडिया के सहयोग की सराहना करते हुए श्री बोरा ने मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया। कैमरा पर्सन जिया खान के साथ राजमन सागर, बिलासपुर।